समस्या क्या है? जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो मालिक बन बैठा है। आपका दिमाग? येस, लेट्स टॉक अबाउट इट। बट बिफोर दैट, वेलकम बैक टू कर्मा स्पेस लाइव। दिस इज विशाली एंड यू आर वॉचिंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ 75 डेज हार्ट चैलेंज। डियर डायरी, टुडे इज सेप्टेम्बर 9। करेंटली 5:18 हो रहे हैं एंड आई हैड अ टेरिबल स्लीप लास्ट नाइट। अभी एक्सेप्शनली अच्छा फील हो रहा है जब मैं लिख रही हूँ इस बात को। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज आई मैनेज टू वेक अप एट 5 AM इवन आफ्टर स्लीपिंग एट 1 AM। येस, बट आज से इसे ठीक करना ही था। मुझे सुबह उठना पसंद है और मैं वही करूँगी। मैं हर रोज़ सुबह जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे माइंड को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। समझ रही हो तुम? मुझे मेरे मन से जीतना है बस। जब जून जुलाई में 4 बजे जाग रही थी, डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑयली बर्ड ही बन के चलना है, बिकॉज दैट्स हेल्दी, दैट्स हेल्पफुल, दैट विल मेक मी गो ब्यूटिफुली इन द लॉन्ग रन। आई वॉज हैविंग अ स्ट्रिक्ट स्लीप स्केड्यूल, तो अभी क्यों नहीं? प्रॉब्लम तो अगस्त में हुई ना, घर जाके सोने जागने का टाइम गड़बड़ हो गया, तो क्या मैं इतनी सी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकती? घर से वापस आए आज 10 दिन हो गए हैं। रात को लेट सोना, 2 बजे सोना, 8 बजे जागना, नहीं चलेगा ये। मैंने कह दिया है आज, और अब कल रात को ही मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया था। कल रात को कई बार अपने आप को बोल दिया था कि मैं कल से सुबह जागूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यही चीज़ मैं आपको भी बोलना चाह रही हूँ कि मूड नहीं हो रहा है, बहुत नींद आ रही है, कॉफ़ी पी लेते हैं यार, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो टफ सब्जेक्ट मत पढ़ो ना, इजी पढ़ लो। इजी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ लेक्चर देख लो, कोई पुरानी नोट्स उठा के रिवाइज कर लो। और अगर कुछ नहीं मन कर रहा है ना, तो प्लीज़ एक गिल्ट फ्री ब्रेक ले लो, कहीं घूम आओ, जो अच्छा लगता है कर लो, पेंटिंग कर लो, नेचर में चले जाओ, जो भी पसंद है, म्यूज़िक बजाना पसंद है, कॉफ़ी पीना, मतलब बाहर जाके कॉफ़ी पीना पसंद है, जो करना है करो। बस अपने दिमाग को ये मत बोलो कि तुम कुछ टफ काम कर रहे हो, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए बहुत सेक्रीफाइस लगता है, बहुत स्ट्रेसफुल है। यार चूज़ किया है हमने इसको कि नहीं, डूएबल है, कर सकते हैं, करना है, करना चाहिए, अपना बेस्ट ट्राई करके देखेंगे। तो फिर हाफ हार्टेड क्यों करना है यार? स्ट्रेस क्यों लेना है किसी भी चीज़ का? अपना हर दिन प्लान करो, चाहो तो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, चाहो तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। अगर दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, कीपैड फ़ोन यूज़ करना है वो भी कर लो यार, डायरी में लिख लो, सुबह से उठ के रात तक का हिसाब किताब कर लो। लोग करते हैं, कभी किसी ग्रॉसरी शॉप वाले बनिया को देखा है, कभी किसी बड़े बिजनेसमैन को देखा है? सब लोग अपना स्टेटमेंट, जिसको हम इकोनॉमी में बैलेंस शीट बोलते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, करते हैं सब लोग अपना हर दिन रिकॉर्ड, और हमें भी वैसे ही करना है। डजेंट मैटर कि हम UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट PCSC कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, या सिंपल किसी बहुत ही ईजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट उसमें से पढ़ने वाले बहुत कम हैं। और उसका रीज़न है कि कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई कहीं बिजी हो जाता है, और ज़्यादातर लोग हाफ हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट इतना याद रखना कि अगर आप फुल हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, आप जीतोगे। आज नहीं तो कल, इस बार तो नहीं तो अगली बार, नहीं तो उसकी अगली बार, पर जीतोगे ज़रूर। लेकिन जो टाइम अभी बीत रहा है उसको सेक्रीफाइस मत होने दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक साल है। ये कहने वाली बात नहीं है, ये मैं खुद अपने आप को अक्सर बोल देती हूँ जब मुझे भी स्ट्रेसफुल फील हो रहा होता है या मुझे भी एंजाइटी हो रही होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैं उस दिन खुश नहीं होऊंगी जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा और PDF में मेरा नाम होगा, क्योंकि अगर मैं उस दिन की एक्सपेक्टेशन को आज से ही अपने ऊपर डाल दूंगी ना, सो इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल। फिर मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड सोचना शुरू कर दूंगी कि हाँ ये होगा तब, वो होगा तब। क्यों? अभी आज का दिन क्या, कल का क्या, नेक्स्ट महीने का क्या, उसको मैंने कैसे बिताया? मुझे तो आज ही पछतावा होता है अगर मैंने पिछले साल कोई एक हफ़्ता फालतू वेस्ट कर दिया था अपने रोने धोने में। मे बी होता है, सबके साथ होता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, ब्रेक लो तो गिल्ट फ्री लो, टाइम अननेसेसरीली कहीं मत वेस्ट करो। आई विल बी रिपीटिंग अगेन, अपना टाइम किसी को मत दो यार, किसी भी अननेसेसरी पर्सन को तो बिल्कुल मत दो, अपना टाइम कहीं वेस्ट मत करो। लेकिन
अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, खाने नाश्ते पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि अरे हाँ हम तो बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, क्या भाई टाइम छोड़ो यार, नाश्ता नहीं करते, नींद आती है। दिमाग को बोलते हैं ना यार क्यों नींद आ रही है। अगर मैंने पहले दिन में एक नैप ले रखी कि मैं लंबे एक घंटे का मस्त था, मैंने लास्ट 2 महीने से नहीं लिए, नहीं सोई मैं दिन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एज अ ह्यूमन बींग हम पूरे अगर डिसाइड कर लेंगे 30 दिन नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। मे बी किसी दिन दिन में बहुत थक जाए, रात को जगे हो, नींद ना आ रही हो, पढ़ लेते हैं, दिन में सो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम सबके साथ होती है, हम सबका दिमाग हमसे बात कर रहा होता है, 50 चीज़ें चल रही होती हैं, एंड देन हमारा दिमाग अचानक से बहुत हैवी फील करने लगता है। कभी नोटिस किया है कि मे बी कोई हमारी बात बस सुन भी ले ना, सारी बातें अगर बस कोई जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर हम किसी को बोल दें तो सडनली हमारा दिमाग लाइट फील करने लगता है। तो वैसे ही हम अपने दिमाग से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, और कभी कभी तो अनकॉन्शियसली बिना ध्यान दिए ये नहीं देखते कि जो बातें हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर बातें नेगेटिव हो रही हैं या रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही हैं या स्ट्रेसफुल हो रही हैं, रदर देन थिंकिंग अबाउट दिस कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, इसको इतना चांस में डिवाइड किया है, इसका ये पार्ट अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, जो रह जाएगा रह जाएगा। प्रैक्टिकली ह्यूमनली जितना पॉसिबल होगा हमारे हाथ में उतना सब कर डालेंगे, लेकिन जो अब ये सोच लेना कि 100% क्वेश्चंस हमें आएंगे, 100% हमारी तैयारी हो जाएगी, वो तो कभी नहीं होती ना यार। आज तक कभी ग्रेजुएशन में, स्कूल में, बोर्ड में कभी भी गए थे तो क्या 100% तैयारी के साथ गए थे? नहीं गए थे, 95 ही गए थे, 85 ही गए थे, कुछ लोग तो 70% भी गए होंगे, और एक एवरेज स्टूडेंट भी UPSC निकाल लेता है। इट्स जस्ट वी नीड कंसिस्टेंसी, 8 घंटे 365 दिन की कंसिस्टेंसी, या 6 घंटे या 12 घंटे, जो आपको पसंद हो, जितना आपको पसंद हो। मुझे ये सारी बातें आपको रिमाइंड करनी थी, ये सारी बातें आप सब लोगों को पता है, बस इस चीज़ को बार बार अपने दिमाग को बोलते रहना, क्योंकि हमें अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना है, ना कि उसका गुलाम बनना है। स्टडी हार्ड, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।